अब बात यह है कि दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है, इसका फैसला तो दिसंबर 2023 में होगा, क्योंकि गहलोत साहब का तो साफ तौर पर यह कहना है कि 2018 में सचिन पायलट अध्यक्ष नहीं होते, कोई पिछली बार की तरह उनके मैनेजमेंट से तीन तीन अध्यक्ष हुए होते तो भी मेरे मुझे याद करते हुए लोग ला देते। तो अगर 2023 में आ जाती है तो भाई थोड़ा सा मान भी लेंगे, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर तो सचिन पायलट का चेहरा 18 में था ही, उसकी वजह से ही आप आए, और आप चले जाइए किसी मोहल्ले गली में, नहीं, पता लग इसका कोई जाएगा। मैसेज ये हाईकमान को भी देना चाह रहे हैं या इसके पीछे की क्या है कि, मतलब सोच क्या हो सकती है इस पॉलिटिकल हिसाब से? भाई सोच तो अब ये है कि एक राजनीतिज्ञ जो है एक वातावरण परसेप्शन को सुधार करने की कोशिश करता है, उसका राजनीतिक धर्म है। और मैं तो इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, कभी उनके अध्यक्ष रहते हुए अगर 156 आती है तो खड़गे जी को उनको अविलंब पीसीसी अध्यक्ष बना देना चाहिए, और जनता सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, ये तो 50वें सर्वे में आ गया, तो इससे बढ़िया कम्बिनेशन 156 आ जाएगी, और इस बार वो अध्यक्ष बन के पीसीसी के 156 लाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में याद करती है जनता उनको, चाहती है। वो तो इलेक्शन दो ही तरीके होते हैं, या तो चुनाव के परिणाम और या फिर आप सर्वे कर लो, सर्वे तो एक अलग अलग पॉकेट्स में जाते हो, परिणाम तो वो बात इंगित करते नहीं है। एक और बड़ी रोचक बात भाई, वो कहते हैं मोदी लहर में 21 सीट आई, ठीक, तो 2012 का गुजरात इलेक्शंस आप देख लीजिए, खुद मोदी ने चाहे मुंह से नहीं बोला पर अमित शाह के भाषणों में, अन्य भाजपा नेताओं के लोकल भाषणों में, भाई मोदी जी को ये चुनाव जिताना है जिससे कि दिल्ली की कुर्सी पे 2014 में, 1.5 साल बाद ही तो था, जी बैठाना है, ठीक है। तो एक तरह से अघोषित रूप से मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार गुजरात में 2012 के थे, बन गए थे। सितंबर अक्टूबर जो भी जी महीना था उसमें हो बिल्कुल गए थे, तो बिल्कुल। उसके बावजूद कांग्रेस 60 सीटें लाई, तो वो मोदी अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होके यहाँ प्रचार कर रहे थे तो 60 तो आती, उनकी 184 में से 60 आई, हमारी 200 में से 60 तो आती, 40 तो आती, 21 ही आई। तो फिर मोदी लहर का लॉजिक तो कुछ समझ में तो नहीं आता है, लेकिन अगर समझाना चाहते हैं, मुंह में लड्डू कोई हमारे जबरदस्ती डालना चाहता है तो भी ठीक है, चबा लेंगे, क्या इलाज है।